23 मार्च 2020 सबको मुबारक हो। मैं ब्रिगेडियर नादर मीर, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, अल्लाह से दुआ करता हूं कि तमाम पाकिस्तानी और पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से महफूज रहे, क्योंकि इस वक्त तक 3 लाख से ज्यादा लोग दुनिया पूरी में इफेक्ट हो चुके हैं, 13,000 से ज्यादा लोग फौत हो चुके हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट की यह डिमांड है कि 3-पॉइंट नेशनल पॉलिसी चलाई जाए, जिसमें सबसे पहले आइसोलेट, उसके बाद कंटेन, उसके बाद एलिमिनेट कोरोना वायरस। और आइसोलेट का मतलब है पाकिस्तान को पूरी दुनिया से कट ऑफ करें, कंटेन का मतलब है कि वो लोग और वो इलाके जिधर ज्यादा है उधर कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन किया जाए, फिर ब्रेक दिया जाए, फिर लॉकडाउन किया जाए, ताकि वहां कंटेन हो जाए और फैल ना सके। और साथ ही एलिमिनेशन इसकी की जाए हर तरीके से, और इसमें हमारी बहादुर फौज और हमेशा कुर्बानी देने वाली और आगे बढ़ने वाली फौज शामिल है, और बाकी वसाइल को नेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपने तमाम पाकिस्तानी को बचाना है, सेव द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए हमारे पास वसाइल हैं, और मसला यह रहा है कि यह वसाइल रिसोर्सेज वेल्थ इलीट के पास है, सो टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ, पाकिस्तान के लोगों में यह दौलत बांटी जाए, रिलीफ पैकेज दिया जाए, और रिलीफ पैकेज में खाना, पैसे, जरूरी चीजें और उसके अलावा बिल्स की माफी, ताकि लोग घर में रह सकें। पाकिस्तान की बहादुर फौज, पाकिस्तान की रेजिलिएंट नेशन और पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, हम सब मिलके पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वबा से और इस मसले से बचाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान महफूज रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।